इस बीच नोएडा से बड़ी खबर, लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। धार्मिक स्थलों और बारात घरों को नोटिस जारी किया गया है। नियमानुसार रखे लाउडस्पीकर की आवाज, तो पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की है। जिले की 265 मस्जिद, 602 मंदिरों के लिए आदेश जारी हुआ है। 217 बारात घर और 182 डीजे संचालकों को भी ये नोटिस दिया गया है। तो लगातार जिस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि अपने परिसर से जो आवाज है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको लेकर अब नोएडा पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है और लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन ने यहां पर बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है, बाइबिल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है, दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं नसीब, दुनिया को दिखा दो कि ये हिंदुस्तान है। कुछ यही सोचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अमन और चैन को बनाए रखने के खातिर निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश दिया है कि स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते उसकी आवाज परिसर से बाहर न जाए, उसकी आवाज से दूसरों को असुविधा न हो। नई जगह पर लाउडस्पीकर न लगाए जाएं, बिना अनुमति के जुलूस और शोभा यात्रा न निकाली जाए, सिर्फ पारंपरिक धार्मिक जुलूस निकालने की ही अनुमति हो और नए आयोजकों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। लेकिन सीएम के नए निर्देशों को लेकर कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते। अब जहां तक ये सवाल है कि लाउडस्पीकर का आवाज अंदर ही हो, तो अंदर तो मुंह से ही इतना बोल दिया जाएगा कि अंदर की बात अंदर सब समझ जाएंगे, समझ ना। लेकिन ये अजान का मामला, ये क्या कोई तूफान तो नहीं उठ रहा, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हम लोग, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे ना, जुल्म कर रहे हैं कि अजान की आवाज लोगों तक पहुंचाना। चाचा जान कह रहे हैं कि आखिर हंगामा क्यों बरपा है, बस थोड़ा आवाज ही तो तेज हुई है। काशी के फखरुल इस्लाम भी नोएडा के चाचा जान की बात से इत्तेफाक रखते हैं। आखिर लोगों को नमाज के लिए जगाएं कैसे? अजान का जो मेन मकसद होता है, अजान इसलिए पुकारी जाती है कि आओ नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। तो धार्मिक स्थल के अंदर ही आवाज उसकी गूंजेगी तो लोगों के घरों में कैसे आवाज जाएगी? आखिर लाउडस्पीकर से अजान या भजन से शोर होता है तो उसके लिए कुछ तो सोचना होगा, लेकिन चाचा जान के पास इसका भी जवाब हाजिर है। तो शादी ब्याह में पहले लाउडस्पीकर क्यों नहीं खत्म हो रहा है? शादी ब्याह में इतने धूमधाम से लाउडस्पीकर बजते हैं, उनके ऊपर क्या प्रशासन का रवैया बताइए। ऐसा नहीं कि लाउडस्पीकर को लेकर सरकार का फैसला सबको नामंजूर हो। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान योगी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो ये बात कहने में कोई मुजायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। योगी चाहते हैं कि अगर उनका प्रदेश अभी तक विवादों से अछूता रहा है तो ये दौर आगे भी कायम रहना चाहिए। तो फिलहाल जो ही गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अब धार्मिक स्थलों पर जो तेज आवाज में जो धार्मिक आयोजन होते हैं उस पर अब पूरी तरीके से मनाही है, और जो नए धार्मिक स्थल हैं उनमें लाइव माइक या लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए, तो उससे कहीं वर्ग खुश है तो कहीं पर सवाल खड़े किए जा रहे। विवाद कहां रुकेगा ये देखने वाली बात रही।